आपके रुकावटों और बाधाओं के स्थान से राहु देव अलविदा होने वाले हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये राहु देवता पिछले 12 अप्रैल सन 2022 से आपके अष्टम भाव पर चल रहे हैं। इनका यहाँ पर होना कई प्रकार से आपको प्रताड़ित भी किया, लेकिन हम इस वीडियो में जान पाएंगे कि कैसे ये राहु देवता जाते जाते कोई बहुत अच्छा शगुन आपको दे करके जाएंगे, इसी बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये राहु देवता इनका गोचर ही होता है लगभग 18 महीनों के लिए, अर्थात पूरे 1.5 वर्ष के लिए। काफ़ी समय व्यतीत तो हो गया, लेकिन अभी भी 30 अक्टूबर को ये आपके राशि से परिवर्तन होकर के, मतलब कन्या राशि कन्या लग्न के अनुसार, ये आपके अष्टम भाव को छोड़ करके आपके सीधे पहुंच जाएंगे सप्तम भाव पर। आपने कई वीडियो देखे होंगे इस बात को लेकर के कि राहु देवता जहां 30 अक्टूबर आएगा आपके जीवन में खुशियों की बरसात आ जाएगी और धन की वृद्धि हो जाएगी और न जाने क्या क्या। लेकिन वास्तव में क्या ये प्रतिफल मिल पाएगा और क्या इस 1.5 महीने में हम इस राहु से कोई लाभ ले सकते हैं, इसी बात को समझने का प्रयास आप और हम मिलकर यहाँ पर करते हैं। प्रारंभ करते हैं उस बात से जहाँ पर अभी तक आपने इस राहु को झेला है। राहु आपके रुकावटों के भाव पर है, अर्थात हमारे कार्य में कई प्रकार से रुकावटें आपके जीवन पर आपको देखने को मिला, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो मानसिक हो, या फिर आर्थिक जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन तो भली भांति किया है, परंतु एक न एक ऐसी रुकावटें और बाधाएं भी बनी हुई हैं जो हमें उसे परिपूर्णता की ओर ले जाने में हमें बाधाएं दे रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इस राहु की दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 आपके पंचम भाव पर, आपके 12वें भाव पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है। इसका साफ साफ मतलब होता है कि खर्चों का अंबार लग जाना, कभी चिकित्सालय संबंधी व्यय हो जाना, हमारे हॉस्पिटल में खर्चे होना, तो कभी हमारे धन की हानि होना, तो कभी हम में खर्च की अधिकता होने के कारण हमारे इनकम भी सारे के सारे खर्च में चले गए, ये सब कुछ भी हमने होते हुए देखा। बात यहाँ समाप्त नहीं होती, राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके स्वयं धन पर पड़ रही है, आपके पैसों के भाव पर, धन भाव पर राहु की दृष्टि है। इसका मतलब आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी समय हमने कई प्रकार से दूषित परिणाम को अपने जीवन पर आत्मसात किया है। राहु देवता जब 9वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य बनने नहीं दिए और कई प्रकार के हमारे सुख का भाव होता है, ये जहाँ पर इनकी दृष्टि है, मानो कि सुख में एक ग्रहण सा लग गया है, हमारे सुख कब आएंगे, कब हमें अच्छे दिन की प्राप्ति होगी, यही प्रश्न बिना किसी समाधान के हमारे अंदर चल रहा है। लेकिन क्या आप विचार करेंगे इस बात को लेकर के कि इस सब के कारण एकमात्र राहु देव थे? क्या राहु ही वो ग्रह बनते हैं जो आपके जीवन में विपत्ति, संघर्ष, तनाव और आर्थिक परेशानियों को दे दिए, या कुछ कोई और जिम्मेदारी है कि कोई और जिम्मेदार हो सकता है क्या? इसका विचार करना है हमें स्वयं। क्या हमारे कर्म नहीं हो सकते? क्या हम में कोई कमी नहीं हो सकती? क्या हमारे निर्णय गलत नहीं हुए जिसके कारण हमें तकलीफ मिला? अब हमें कोई नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं, कोई अच्छी बातों को तो ये मान लेते हैं कि हमने किया है, बुरा यदि कोई घटना हमारे जीवन में यदि घटित होता है उसे मान लेते हैं कि राहु ने किया है, क्योंकि राहु अशुभ ग्रह माना गया है। लेकिन बता दें आपको, राहु अशुभ नहीं है, राहु पापी ग्रह है। क्यों? क्योंकि ये दानव होते हैं और दानव ग्रह की संज्ञा दी गई है राहु को। लेकिन आप देखिए जरा उस राजा बलि को देखिए कि उस राजा बलि ने अपना, कौन थे राजा बलि? तो स्वयं एक दानव थे, एक राक्षस कुल में पैदा हुए थे ये राजा बलि, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वार पर साक्षात भगवान नारायण आए थे, उनसे 3 पग पृथ्वी मांगा था और आकर के द्वार में खड़े होकर के भगवान ने उनसे प्रार्थना किया था। और यही राजा बलि जो दानव थे, महादानी में जो दानी माने गए हैं, यही राजा बलि थे। सुना भी होगा आपने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, आज लुटा दे रे सरबस अपना, मान ले कहना मेरा, भीख मांगने आया तेरे घर,
जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। उस घड़ी को विचार कीजिए जब भगवान उनके द्वार पर गए थे और राजा बलि ने तीन पग में सब कुछ अपना सर्वस्व भगवान को न्योछावर कर दिया था। वो सामर्थ्य था उस दानव बलि में जो भगवान को प्रकट किए थे। कैसे कोई दानव, हर कोई दानव हमारे लिए अशुभ नहीं होता, हर कोई दानव हमारे लिए खराब नहीं होता। यदि ये राहु यदि दानव होते हमारे लिए इतने अशुभ होते तो आप स्वयं विचार कीजिए कि भगवान ने इन्हें नवग्रहों में इन्हें स्थान क्यों दिया जाता। इन्होंने अमृत का पान किया है तो जरूर कोई बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे इस राहु ने, जिसके कारण से इनके मुख में अमृत का पान हुआ है। सूर्य जैसे महान तेजस्वी ग्रहों के शासक माने जाने वाले भगवान सूर्य को एकमात्र यही राहु देव हैं जो उन्हें विमर्दन कर सकते हैं, अर्थात उन्हें ग्रसित जब करते हैं तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। जब यही राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं तो चंद्र ग्रहण होते हुए हमने अपने जीवन पर देखा है। कैसे ये राहु इतने प्रभावी होते हुए भी हमारे जीवन को अंधकारमय बना सकते हैं, आप स्वयं विचार कीजिए। इनके पास कुछ गुण हैं, इनके पास कुछ शक्तियां हैं। इन शक्तियों को यदि हमने जान लिया, अपने मान लिया और इसके अनुसार यदि हमने कार्य किया, ये राहु इतना कुछ प्रदान करते हैं, इतना धन संपदा देते हैं। आपके तो भाई अष्टम में चल रहे हैं, इस कारण से अष्टम भाव तो हमारे रुकावटों का होता है, आपके परिवर्तन का होता है। कैसे आपके जीवन को परिवर्तित नहीं करेंगे, आपको विचार स्वयं करना है। राहु एक छाया ग्रह माने गए हैं और इसी कारण से आपके संग संग जो छाया चलता है कभी आपका साथ छोड़ सकता है क्या? शिव पुराण में स्पष्ट वर्णित है, यदि किसी व्यक्ति का छाया उससे अलग हो जाए उस व्यक्ति का 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात ये छाया कितने जरूरी है हमारे लिए सोचिए। और इसी कारण से राहु देवता आपके अष्टम पर प्रभावित हुए हैं। राहु का यह सबसे पसंदीदा स्थान होता है आपका अष्टम भाव, क्योंकि यही परिवर्तन का स्थान होता है, गुप्त शक्तियों का स्थान होता है जहां पर राहु यहां पर प्रविष्ट हुए हैं। राहु कौन है ध्यान से समझिएगा। राहु वो ग्रह होते हैं जो हमारे जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। राहु एक चुंबक की भांति है, राहु बौछार है, राहु एक्सप्रेस ट्रेन है। और जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में जो जो हम जिस बात को अधिकता से देखते हैं वो सब कुछ यही राहु है। और जब ये राहु किसी ग्रह के साथ मिल जाते हैं तो वहां पर कुछ योग बन जाता है। आपने इसे भी जाना होगा, इसे भी आपने देखा होगा। राहु इस समय पर अभी आपके अष्टम भाव पर देव गुरु बृहस्पति भी चल रहे हैं और इस हिसाब से गुरु भी आपके अष्टम भाव पर विद्यमान है। और इन दोनों के संयोग से एक योग बनता है जिसे कहा जाता है गुरु चांडाल योग। कितना भयानक यह योग है, इसके बारे में, इसके बुराई के बारे में बताने के लिए आपको अनेक लोग मिल जाएंगे, लेकिन कभी कोई आपको अच्छाई बताने वाला नहीं मिलेगा कि इसी गुरु चांडाल योग के दरमियान आप अपने जीवन में भाग्य को कहां से कहां ले जा सकते हैं। गुरु कौन है? तो गुरु है आपका भाग्य, हमारा भाग्य, इस संसार के भाग्य। हमारे ज्योतिष में भाग्य के कारक माने गए हैं देव गुरु बृहस्पति को। और जब ये गुरु बृहस्पति राहु के संग आ जाते हैं तो राहु क्या है? बौछार है। गुरु क्या है? भाग्य है। तो भाग्य में बढ़ोतरी कैसे नहीं होगी, स्वतः विचार कीजिए। लेकिन वो हमारे अवचेतन मन में बिठा दिया गया है, ये हमारे मन में बिठा दिया गया है कि राहु गंदगी है और गुरु ज्ञान है, तो हमारे ज्ञान को गंदा करने का काम करता है। गुरु भाग्य है और राहु गंदगी है, तो भाग्य को भी यहाँ पर खराब करने का प्रयास इस राहु के द्वारा किया जाता है। और इसी के कारण हमारे अवचेतन मन में इतना मजबूती से ये बात बैठ गया है जिसके कारण हम इसके लाभान्वित होते हुए भी हम लाभान्वित नहीं हो पाते। एक छाया है राहु और इसी कारण से आपके अष्टम भाव पर आए हैं। यकीन मानिए यदि इस राहु को आपने पॉजिटिव बना लिया, इसी दरमियान आपको अनेक धन की प्राप्ति होगी। लाखों करोड़ों लोग इस बात के इस देश में ऐसे हैं जो इसी दशा के दरमियान, चाहे उनके राहु की दशा चल रही हो, राहु की अंतर दशा चल रही हो, या राहु उनके अष्टम भाव पर बैठे हों, बहुत अटूट संपत्ति उन्होंने प्राप्त किया है। हम कैसे वंचित रह गए, आप विचार कीजिए।
और अभी भी समय बचा हुआ है। माना जाता है कि कोई ग्रह जब अपने कहीं और राशि पर प्रवेश करते हैं, मतलब उनका गोचर परिवर्तन होता है, तो जाते जाते वो बहुत कुछ दे करके जाते हैं। इसका मतलब राहु अभी 1.5 महीने बचे हुए हैं, लगभग समय होगा 30 अक्टूबर को ये चले जाएंगे। 30 अक्टूबर तक अभी ये आपके पूरे 18 साल बाद फिर से ये घूम करके 18 साल बाद आएंगे आपके अष्टम भाव पर। अभी भी वक्त है, 1.5 महीने का समय है, और इस दरमियान भी आप इस राहु से बहुत कुछ ले सकते हैं। एक वरदान मिल सकता है आपको राहु के द्वारा, और कैसा वरदान मिलेगा, क्या करना है, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अष्टम भाव चूंकि हमें गुप्त शक्तियों से जोड़ता है, अष्टम भाव हमें कहीं ना कहीं गुप्त शक्तियों के साथ साथ हमें भाग्य में परिवर्तन का एक समावेश प्रदान करता है, क्योंकि अष्टम भाव के बाद ही हमारे भाग्य का भाव आता है। आपके अपने राशि के अनुसार देखिए, आपके लगन के अनुसार देखिए, आपके स्वयं लग्नेश जो बनते हैं वो बुध देवता बनते हैं, और यही बुध जब राहु के संग बैठ जाते हैं तो एक जड़ नाम का योग बना देते हैं। लेकिन अभी ये गुरु के संग बैठे हुए हैं, इसका मतलब साफ साफ हो गया आपके जीवन में परिवर्तन का ये एक संचार हो सकता है। उपाय बताएंगे अभी आपको, एक परिवर्तन का संचार हो सकता है। राहु की दृष्टि आपके 12वें घर में है, कोई निवेश करना चाहते हैं, आप निवेश को सोचिए समझिए, हमने कहाँ पर निवेश किया है, बिना सोचे विचारे हमने कार्य कर दिया, और शास्त्र कहता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब वो पछतावा होने से है क्या, लेकिन अपने कहाँ पर आपके खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि खर्चे भाव पर दृष्टि है, हमको वो सोचना होगा भाई, हमें वो देखना होगा कहाँ हमारे अच्छे खर्चे हैं, कहाँ बुरे खर्चे हैं, उसको आपको समझना होगा। तब आपने इस राहु को प्रभावित कर लिया। राहु की दृष्टि आपके धन भाव पर है, कैसे मैं अपने धन को मैनेज करूं, कैसे अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कार्य करूं। हम क्या करते हैं, कुछ पैसे हमारे हाथ में आते हैं तुरंत हम उसे खर्च कर डालते हैं, क्यों, क्योंकि आवश्यकताएं इतनी ज्यादा बनी हुई हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रयास भी यदि निवेश का प्रयास किया जाए, थोड़ा सा बचत कर लिया जाए, अपने हाथ में थोड़ा पैसा बचा लिया जाए, आप इस राहु को प्रभावित कर लिए और अपने आर्थिक स्थिति को भी आप मजबूत कर पाएंगे। इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, आपने देखा कि कई प्रकार से प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आपने बाधाएं आपने देखा होगा, लेकिन इसी राहु को यदि चतुर्थ भाव से संबंधित यदि आपको काम करना है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, राहु को भाग्य का सहारा मिल गया। आप ये समझिए गुरु राहु का जो चांडाल योग बना है, इसे दूसरे भाषा में समझते हैं तो यही एक भाग्य का साथ मिल गया है राहु को। अब ये समझना है कि इस राहु को प्रभावी कैसे बनाया जाए, तो ध्यान से समझिएगा, 1.5 महीने के दरमियान आप इसे कर लीजिए। अष्टम भाव में राहु आए हैं, अष्टम भाव का है का गुप्त स्थान माना गया है अष्टम भाव को, और गुरु आपके जन्म पत्रिका या फिर आपके गोचर के दरमियान ये गुरु किस भाव के स्वामी बनते हैं, ये गुरु आपके चतुर्थ भाव में बनते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। अब चतुर्थेश का अष्टम में आना, इस समय पर ध्यान दीजिएगा, कोई गुप्त दान आप कर दीजिए कहीं भी धार्मिक स्थान, क्योंकि गुरु कौन है, धर्म का स्थान माना गया है, और 30 अक्टूबर तक इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक गुप्त दान किसी धार्मिक स्थान पर आप कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद इंसान जो लगता है आपको कि हाँ भाई इसे आवश्यकता है, उसका आप समर्थन कीजिए, उसके आप उसका उद्धार करते हैं। यकीन मानिए यही राहुदेव इतना कुछ बरसात कर देंगे आप स्वयं नहीं जान पाएंगे। लेकिन दान कैसा होना चाहिए, यहाँ अष्टम भाव गुप्त भाव होता है इसलिए गुप्त दान होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई दान यदि करते हैं तो उसका बाकायदा उसका फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, और आप उसे पोस्ट करते हैं ताकि दूसरों को मैं दिखा पाऊँ कि मैं दान करता हूँ। कोई पंखा कहीं दान कर दिया तो पंखे में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, मानो कि उसने दान किया है। दान की ये परिभाषा नहीं है, दान तो भाई मांगने वाला और देने वाला, या जिसे आप दे रहे हैं इनके सिवा कोई भी न जान पाए। आप दाहिने हाथ से कोई दान देते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वो गुप्त दान आपको करना है इस दरमियान में। चतुर्थेश हैं आपके पारिवारिक जन्म में, चतुर्थ भाव आपके परिवार होते हैं, तो पारिवारिक जन्म में ही इसे खोजिए, प्रयास कीजिए कि क्या किसी को कुछ आवश्यकता है। हाँ यदि है तो आप उसे कुछ दीजिए, उनका कुछ किसी प्रकार से भोजन में कीजिए, चाहे कपड़े में कीजिए, चाहे पैसों से कीजिए। यदि आपको सामर्थ्यवान भगवान ने बनाया है उसका दान कीजिए, यही राहु देवता आपको सदैव बहुत कुछ प्रदान करेंगे। और आज तो भाई इसके बाद तो ये आपके सप्तम पे चले जाएंगे, सप्तम पर जा करके क्या प्रभाव देंगे, अभी तो ये कौन से भाव पर है, अभी धर्म के भाव पर है। अभी 1 नंबर की जो राशि मानी गई है वो धर्म की राशि मानी गई है, इसके बाद तो ये 12 नंबर पर चले जाएंगे जो कि मोक्ष की राशि है। क्या राहु मोक्ष के कारक हैं,
कदापि नहीं। राहु मोक्ष के कारक नहीं है, केतु देवता मोक्ष के कारक हैं। तो यहाँ पर जाकर के भी कोई राहु कोई अच्छा प्रतिफल नहीं देंगे, लेकिन हाँ एक बार यदि आपने राहु को समझ लिया, राहु के बौछार है, इतना ध्यान कीजिएगा, राहु जहाँ पर जाएंगे उस भाव से जोड़ करके आपको काम कराना चाहेंगे। यदि उस भाव से जुड़ करके आपने कार्य कर लिया तो इस राहु को आपने प्रभावित कर लिया, इतना कुछ प्रदान करेंगे, इतना कुछ दे करके जाएंगे कि व्यक्ति संभाल सकने योग्य नहीं होता, वो है राहु। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा, मेरा प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हर बार की भांति इस बार भी कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ एक प्रबुद्ध वर्ग ने हमें सराहा है, अर्थात हमारा कार्य अच्छा है, और हम फिर से लग जाते हैं किसी और अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।